नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ नम्रता। ग्वालियर में पहले सड़क पर केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, फिर बर्थडे बॉय के नशे में धुत दोस्त आपस में भिड़ गए। धक्का मुक्की के बाद सड़क पर जमकर लात घूसे चले। एक युवक को तो इतनी जोर की पड़ी कि वह सड़क पर गिर गया। बर्थडे बॉय बीच बचाव करता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। सोमवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सिकंदर कंपू माधोगंज का निकला। पुलिस मारपीट करने वालों का पता लगा रही है। माधोगंज थाना स्थित सिकंदर कंपू इलाके में रविवार देर रात सड़क पर कुछ युवा जुटे। इन्होंने एक्टिवा को बीच सड़क पर खड़ी की और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हुआ। गाड़ी पर केक कटिंग की। सेलिब्रेशन के दौरान युवा आपस में किसी बात को लेकर भिड़ लिए। नशे में धुत युवा हंगामा करते हुए एक दूसरे को खींचने लगे। देखते ही देखते खींचातानी मारपीट में तब्दील हो गई। एक युवक को पीटते हुए खींचकर काफ़ी दूर तक ले जाया गया। उसे पकड़कर कई चाटे मारे गए। पीटने वाला भी इतने नशे में था कि उसे छोड़ते ही चाटा पड़ा तो वह सड़क पर गिर गया। वह काफ़ी देर तक वहीं पड़ा रहा। हंगामे के चलते यहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की। एक्टिवा के नंबर और वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने ऐसे युवकों के लिए एक अपील की है, ऐसा कोई कृत्य ना करे जो अपराध की श्रेणी में आता हो। पुलिस के पास कई ऐसे वीडियो पहुंच रहे हैं जिसमें लोग सेल्फी लेकर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। बाद में यह वीडियो वायरल हो जाता है और ऐसे में कई लोगों का करियर खराब हो जाता है। पिछले दिनों पुलिस ने ऐसे वायरल वीडियो को चिन्हित कर अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि युवाओं में लाइसेंसी और अवैध हथियार के साथ हर्ष फायर कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। इसके अलावा युवाओं में बर्थडे पार्टी बनाने का भी ट्रेंड बदला है। सड़क पर उत्पाद मचाकर बर्थडे मनाना और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना, पुलिस ने ऐसा कृत्य नहीं करने की अपील करते हुए चेतावनी भी दी है। ASP क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया का कहना है कि बर्थडे पार्टी बनाने के दौरान युवाओं के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि वह एक दूसरे की मारपीट करने लगे। इस तमाशे को देख रहे एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो को देखकर मामले को संज्ञान में लेते हुए पड़ताल शुरू कर दी गई है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।